हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन भल्ला के सनसन स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको आकलन कार्यपत्रक पाँच करवाने जा रहा हूँ। ये 18 अक्टूबर का रहेगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन बोला गया, धातुएं होती हैं चमकदार, ध्वनिक, कठोर, ये सभी होती हैं। धातु के अंदर सभी गुण पाए जाते हैं। देखिए, आपको पता होना चाहिए धातु में दो प्रकार के गुण होते हैं, एक भौतिक और एक रासायनिक। ठीक है, ये सारे के सारे जिन्हें आप देख सकते हैं भौतिक होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर डी है। नेक्स्ट है, धातु के क्षार किस प्रकृति के होते हैं, ये रासायनिक जो है ना इसकी प्रॉपर्टी में आते हैं। तो जो धातु के क्षार होते हैं ना, वो क्षारकीय होते हैं। क्या होते हैं? क्षारकीय होते हैं। बी आंसर है इसका। सी है, मतलब थर्ड क्वेश्चन है, वे धातु जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। देखो, धातु जो होती है, अभी आप कहोगे सर आपने कठोर बताई, चमकदार बताई, ध्वनिक बताई, तो इन्हें तो आप चाकू से काट पा रहे हैं। देखो, ये जो होते हैं ना, ये नियम होते हैं जहाँ पर धातु के भौतिक गुणों के नियम लागू नहीं होते हैं। ठीक है, तो धातु के अंदर एक ये भी गुण है कि भाई कुछ धातुओं में जो है ऐसी शक्ति पाई जाती है कि वो चाकू से आसानी से कट जाते हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ए। नेक्स्ट है, कौन सी एक अधातु है इनमें से, एल्युमिनियम, लोहा, ऑक्सीजन या चांदी? तो ऑक्सीजन जो वो अधातु है, जो धातु नहीं होती वो अधातु कहलाती हैं, जो कुछ अलग होती हैं, जो पीटने पर टूट जाती हैं। ठीक है, तो चौथे का क्या आंसर है? बी। पांचवे में पूछा गया, खाने के सामान को लपेटने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? देखिए, खाने के सामान को लपेटने के लिए ना हम एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं। देखो, वीडियो रोककर आप पहले आंसर खुद भी सोच सकते हैं। ठीक है, मैं क्योंकि अपने चार ऑप्शन पढ़ के, ठीक है, आपको कन्फ्यूज नहीं करूँगा। आप चार ऑप्शन खुद पढ़ के अपने आंसर सोचें, फिर आंसर मैच कर लें, ऐसा कर लें आप। ये कह रहे हैं, सामान्य ताप पर द्रव्य अवस्था में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? देखो, हमारे घर में आप थर्मामीटर देखते हैं ना, इसे बुखार को मापते हैं, तो उसके अंदर कौन सा द्रव्य पाया जाता है? पारा पाया जाता है। और ये जो पारा होता है, यही एक धातु है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, द्रव्य में पाई जाती है। द्रव्य मतलब पानी की तरह। अधातुएं क्या होती हैं, मतलब अधातुएं पानी की तरह अभिक्रिया करती हैं, नहीं करती हैं, दोनों हो सकता है या नहीं? तो देखिए, जो अधातु होती है ना, पानी की तरह अभिक्रिया नहीं करती हैं। ठीक है, आप चैप्टर पढ़ेंगे ना धातु अधातु वाला, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो मैं तो ये एडवाइस करता हूँ कि पहले आप चैप्टर पढ़ा करो, फिर इन्हें किया करो, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। नहीं तो अगर आप ऐसे कॉपीज करेंगे ना, तो आप बेकार कर रहे हैं, फिर पढ़ने के पेपर अगले महीने होंगे तो फिर कैसे करोगे? धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके संबंधित लवण और डैश उत्पन्न करती है। देखो, धातु जब अम्लों के साथ रिएक्शन करती हैं, ठीक है, तो वो क्या उत्पन्न करती है? हाइड्रोजन गैस, CO2, ऑक्सीजन या कोई भी नहीं, तो हाइड्रोजन गैस करती हैं। नेक्स्ट है, विस्थापन अभिक्रिया के बारे में आपको बताना है। तो देखिए, विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, अधिक अभिक्रियाशील जो धातु होती है ना, जो अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है, वो कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है, उसे हटा देती है और उसकी सारी चीज़ें खुद रख लेती है। विस्थापन तभी होगा जब एक पावरफुल होगा, एक कम पावरफुल होगा, तो उसके साथ जो भी चीज़ होगी वो उसे ले लेगी। ठीक है, तो विस्थापन समझ में आ गया, अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। कॉपर और जिंक का एग्जाम्पल भी दे रखा होगा, आप पढ़ के देखना अपनी किताब में। तो इसका आंसर क्या है? ए है। लास्ट दसवां क्वेश्चन है, कह रहा है कि उर्वरक में निम्नलिखित में से कौन सी अधातु का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों ही किसान यूज़ करते हैं फसलों को उगाने में, उर्वरक होते हैं, फर्टिलाइजर्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसका आंसर सी है। ठीक है, इस तरीके से पूरी वर्कशीट मैंने बता दी, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर जल्दीबाजी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, बाकी कुछ चीज़ें हमें स्पीड से ही करनी चाहिए। ठीक है, अगर फिर भी आपको ज़्यादा स्पीड लगी हो तो आप बता देना, मैं फिर आगे से धीरे ही समझाऊंगा। ठीक है, तो ये रिवीजन थी थोड़ा सा, इसलिए मैंने थोड़ा इसमें स्पीड रखी थी। तो आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को अगर आप न्यू है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना पूरा पूरा ध्यान रखना।